ओट्स से बनाएंगे आज का हम एक नाश्ता। ये हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे वेट को कंट्रोल में रखता है। तो इसी हेल्दी ओट्स से आज का हम हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं कामना और कामना की रसोई में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज कामना की रसोई में बनाएंगे कुछ यूनिक सा नया, कुछ नई रेसिपी। तो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं। और अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ ले आए मैंने एक बड़ा कप भर के ओट्स, और ओट्स को हम पैन में डाल देंगे और इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। और यहाँ ये हमारा 6 से 7 सेकंड के अंदर ही हमारा ड्राई रोस्ट हो जाएगा। हम इसे ओवर फ्राई नहीं करेंगे। हम इसे, ये देखिए, हल्का हल्का ही हमें इसे फ्राई करना है इस तरह का। अब मैं इसे निकाल लूँगी। और यहाँ ये मैंने मिक्सी का जार लिया, और मिक्सी के जार में हम इस ओट्स को डालकर इसे मैं टर्न कर लूँगी। इस तरह से इसका पाउडर बनाना है हमें, जैसे हमारा आटा होता है ना मैदा, इसी तरह का। ये इस तरह का हमें बनाकर अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, मिक्सिंग बोल में। और ये देखिए, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्ची, 1 चम्मच चाट मसाला, और ये दही 2 से 3 चम्मच, और ये फ्रेश दही है अमूल की। आपको फ्रेश दही लेनी है, खट्टी दही नहीं लेनी है। और ये थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ना मैं इसका एक स्मूथ बैटर बना लूँगी एकदम। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसे ज़्यादा हमें पतला भी नहीं करना और ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा भी नहीं रखना, एकदम बिल्कुल फाइन बैटर बना लेंगे इस तरह का। ये देखिए, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। और इसे अभी मैं ढक के रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं आगे की तैयारी करती हूँ। वापस से मैंने पैन को गैस पर रखा है, उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने देसी घी का यूज़ किया है, देसी घी ही यूज़ करें। और साथ ही में मैंने 1/2 चम्मच साबुत धनिया और 1/2 चम्मच पीली सरसों और 1 चम्मच राई डालकर हम अपने इसे भूनेंगे। और साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच सौंफ। इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम अपने देसी घी के अंदर, और इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना। और यहाँ पर मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं, प्याज, हरी मिर्चें, इन्हें सबको हम मिक्स करेंगे। और मैं जितने चाहें आप वेजिटेबल डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं, और ये लोबिया, शिमला मिर्च, ऑरेंज, गाजर, मेरे पास जो इस वक्त अवेलेबल था मैंने सारी वेजेस इसमें ऐड कर दी हैं बारीक बारीक कट करके। आपको और जो पसंद हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मटर भी ऐड कर सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पर नमक डालूँगी मैं, 1/2 चम्मच, क्योंकि हमने अपने बैटर में भी नमक डाला है। और 1/2 ही चम्मच से थोड़ा कम रेड चिली फ्लेक्स डालिए। और ये कड़ी पत्ता है ड्राई, और इसे क्रश करते हुए हाथों से इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर देंगे। साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ सूखा पुदीना, पुदीने के पत्ते, इसे भी क्रश करते हुए मैंने मिक्स कर दिया है। और इसे अभी थोड़ा सा भूनेंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये ग्रीन चिली सॉस, ये बहुत थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ऐड की है, एक तकरीबन 1 छोटा चम्मच के जितना। और इसे भी मिक्स करके इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा थोड़ा स्पाइसी में, तो इसलिए मैंने इसे मिक्स किया है। और ये बाकी हमारा सारा जो हमने वेजेस फ्राई किए थे, ये सारे हम अपने इस बैटर में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और इसमें ऐड करूँगी मैं ये कसूरी मेथी थोड़ी सी, ये एक से डेढ़ चम्मच कसूरी मेथी लिए मैंने। और है ना 1/2 चम्मच के करीब, 1/2 से कम मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है, इसे भी मिक्स कर देंगे बेकिंग सोडे को। और इसमें मैं ये 1/2 नींबू लिया है मैंने, इसका थोड़ा सा रस मैं इसमें ऐड कर दूँगी नींबू का। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा हमें नींबू का रस भी ऐड करना है। और इसे मिक्स करके अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे अपने बेकिंग मोल्ड में। ये देखिए, मुझे इस तरह से इसे स्क्वायर शेप में इसे बेक करना है। ये केक का मोल्ड है, तो मैं इसी के अंदर इसे बेक कर रही हूँ। इसे अच्छे से स्प्रेड करते हुए, अच्छे से 2-3 बार टैप करते हुए हम इसे अच्छे से स्पैचुला से स्प्रेड करके। और ये पानी की मैंने कढ़ाई में पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था, इसी के अंदर हम इसे स्टीम देंगे और इसे बेक करेंगे। इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे मुझे बेक करने में, और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना प्रॉपरली हमारा ये ओट्स का बैटर एकदम बेक हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, इसने साइड भी छोड़ दिए खुद ही,
किनारे, और ये मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है प्लेट पे ठंडा होने के बाद। कम से कम 15 मिनट तक इसे ठंडा होने दिया मैंने, उसके बाद मैंने ट्रांसफ़र किया है। और ये मोल्ड में हमारा बिल्कुल भी नहीं लगा है, और मैं इसे ये दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए इसकी हाइट, ये अच्छे से बेक हो गया और बहुत सॉफ्ट है। इसका हमारा नाश्ता हम इसे जिस चाहे शेप में कट कर सकते हैं, स्क्वायर, गोल। मैंने इसके ना कुछ पीसेस इसके मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। मैंने ये देखिए इसे मैं कट कर रही हूँ, इसे मैंने थोड़े से स्क्वायर शेप में रखा था और थोड़े गोल शेप में, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। अब मैं आपको पैन में इसे एक ऑप्शन दे रही हूँ कि अगर आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने वापस से पैन में देसी घी डाला है 1 से 2 चम्मच, और इसे ना मैं फ्राई कर रही हूँ। मैंने कुछ पीसेस इसके स्क्वायर रखे थे मैंने आपको बताया, और कुछ गोल, तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं और चाहें तो थोड़ा सा फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये बहुत ही दोनों ही उसमें बहुत टेस्टी लगेगा, पर मैं आपको दोनों ही तरह से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा कितनी अच्छी, ये हमारे ओट्स की टिक्की कह सकते हैं आप, एकदम फ्राई हो जाएगा, बहुत टेस्टी लगेगी ये, क्रंची क्रंची, और हमारे सारे वेजेस का जो टेस्ट आएगा, स्पाइसी हमारा नाश्ता बनेगा, वो बहुत सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स आगे आगे देखिएगा अभी, ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ओट्स की टिक्की, हमारा नाश्ता फ्राई हो गया। और ये यहाँ पर मैंने जो कुछ स्क्वायर शेप में पीस रखे थे उसे भी मैं फ्राई कर रही हूँ, पर यहाँ पर मैंने घी नहीं डाला है, खाली उसको वैसे ही फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गया हमारा ओट्स का हेल्दी टेस्टी नाश्ता, स्पाइसी नाश्ता, ये देखिए। और मैंने इसे यहाँ पे चटनी, सांभर, और यहाँ पे मैंने चने की दाल बनाई थी, उन सब के साथ मैं सर्व कर रही हूँ। सारे ऑप्शन है, आप इसे जिससे भी चाहे खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है, बहुत अमेजिंग बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये लीजिए हमारा ओट्स का नाश्ता तैयार हो गया, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।